सब्सक्राइब करें ANT नेशनल, नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। नमस्कार, हाशिम में होने वाले CM मनोहर लाल खट्टर के रोड शो को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। हाशी शहर में लगभग 19 पॉइंट बनवाए गए हैं, जिनकी शुरुआत मुल्तान नगर कॉलोनी के माता मंदिर से होगी। वहीं एक पॉइंट लाल सड़क स्थित शहीद स्मारक पर युवा मोर्चा मंडल BJP द्वारा बनाया गया है, जिसका नेतृत्व BJP युवा मंडल के अध्यक्ष प्रिंस शर्मा कर रहे हैं। प्रिंस ने CM के रोड शो को लेकर बताया कि यहां शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और युवा मोर्चा के हजारों युवा मनोहर लाल का स्वागत करेंगे। यहाँ शहीदी स्मारक पर CM साहब आगे शहीदों को फूल अर्पित करेंगे और ये पॉइंट की जिम्मेदारी युवा मोर्चा को दी गई है और सारा काम युवा मोर्चा संभाल रहा है इस पॉइंट पे। और CM साहब के लिए स्वागत के लिए फूलमालाओं से CM साहब का स्वागत किया जाएगा और एक गेट बनवाया गया है युवा मोर्चा द्वारा, जो कि CM साहब के स्वागत के लिए बनाया गया है। यहाँ CM साहब 5 से 10 मिनट लगा सकते हैं। यहाँ CM साहब लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच पहुंचाएंगे। पूरे शहर को भगवे रंग में रंगा गया है और कई जगह फूलों की वर्षा का प्रबंध भी किया गया है। शुरू होकर मुल्तान नगर कॉलोनी माता मंदिर से शुरू होकर जीन चौक सर से बड़सी गेट से ये जो जैन मंदिर है वहाँ से शुरू होकर शहीद स्मारक पर आएगा और यहाँ CM साहब फूल अर्पित करेंगे शहीदों को और बजरिया चौक से होता हुआ अम्बेडकर चौक पर जाकर खत्म होगा। इस शहर को भव्य भगवा कर दिया गया है और फूलों से और भगवे रंग से सजाया गया है पूरे शहर को। रोड शो को लेकर गाजी के युवाओं में काफी जोश है। आप देख रहे हैं हरियाणा का नंबर 1 वेब चैनल ANT नेशनल, खबर वही जो हो सही। देखिए कौन बनेगा MLA हर मंगलवार शाम 7 बजे सिर्फ